हम पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी और करते हैं। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, इट्स मास पर यूनिट लेंथ एम एंड द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। सो ऑब्टेन द डायमेंशनली एंड एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी न्यू। बच्चों, ये कोई स्ट्रिंग है जिसकी की लेंथ एल है, टेंशन इस स्ट्रिंग में टी है और मास पर यूनिट लेंथ इसका स्मॉल एम गिवन है। ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी न्यू के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। बच्चों, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा टाइम पीरियड दैट इक्वल टू 1/ फ्रीक्वेंसी, और हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड। अच्छा बच्चों, एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर टेंशन। सो टेंशन का मतलब होता है दैट इज द फोर्स डेवलप इन द स्ट्रिंग। सो टेंशन जो होगा आपका फोर्स का इक्वल ही होगा। और मास पर यूनिट लेंथ जो एम है, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग का मास एम है और इसकी लेंथ एल है, तो दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ। बच्चों देखो बेटा, जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 1/ टाइम पीरियड के इक्वल होती है और हमें फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। सो दैट इज द 1/ डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डायमेंशन टी होगी तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी की पावर -1 होगी। टेंशन हमने बताया दैट इज द फोर्स, सो फोर्स की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन टेंशन की होगी, दैट इज द एम एल टी -2। और जो टर्म दे रखा है आपको एम, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ। अगर सिस्टम का मास एम है और इसकी लेंथ एल है तो मास पर यूनिट लेंथ होगा बेटा दैट इज द एम अपॉन एल। मास की डायमेंशन एम होती है, लेंथ की डायमेंशन एल होती है, तो मास पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल एम की डायमेंशन एम एल -1 होगी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इस स्ट्रिंग की लेंथ पर, मास पर यूनिट लेंथ पर और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है इस पर डिपेंडेंट है। तो हम लिख सकते हैं न्यू प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, एम की पावर बी एंड टेंशन की पावर सी। नाउ वी कैन राइट न्यू इक्वल टू के एल की पावर ए, एम की पावर बी एंड टी की पावर सी। बेसिकली टी इज द टेंशन और जो हमारा फोर्स है स्ट्रिंग के अंदर। अब हम यहाँ पर डायमेंशन रखते हैं। सो हमने फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लिखी है टी की पावर -1, दैट इक्वल टू जो के इज द न्यूमेरिक क्वांटिटी, दैट इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सो हेयर एल, डायमेंशन ऑफ एल दैट इज द लेंथ, सो दिस इज द एल, एल की पावर ए, मास पर यूनिट लेंथ एम दैट इज द एम अपॉन एल, सो दिस इज द एम एल की पावर -1 की, और हमने लगाया यहाँ पर बी। और टेंशन दिस इज द फोर्स, सो दिस इज द एम एल टी -2 की पावर सी। बच्चों हम इसको लिख सकते हैं दैट इज द फ्री फ्रॉम एम, सो एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1 दैट इक्वल टू एल की पावर ए, एम की पावर बी, एल की पावर -b, हेयर एम की पावर सी, एल की पावर सी, टी की पावर -2c। बच्चों इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज द एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1। तो हम अगर देखें तो m की पावर होगी बेटा यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, तो दैट इज द b प्लस c। l की पावर होगी यहाँ पर a इधर है, c इधर है और g -b इधर है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस c -b। t की बात करें हम तो t की पावर देखें बच्चों इधर है -2c। अब हम बच्चों दोनों तरफ पावर इक्वेट कर सकते हैं, सो फ्रॉम हेयर b प्लस c इक्वल टू 0,
हम इधर एल की पावर को इक्वेट करें तो इधर होगा ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू जीरो एंड हेयर माइनस टू सी इक्वल टू माइनस वन, जहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं बच्चों, सी की वैल्यू होगी आपकी 1/2, और जहाँ से देखें तो बी की वैल्यू जो होगी दैट इज द माइनस 1/2, और बी और सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट की इस इक्वेशन में, सो दो होगा ए प्लस 1/2 माइनस एंड माइनस 1/2, सो दिस इज द प्लस 1/2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ए की वैल्यू होगी हमारी माइनस वन। बच्चों हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इसको अपनी इस इक्वेशन में पुट करते हैं, लेट इट बी योर फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों अब हम देखते हैं दैट इज द न्यू इक्वल टू के एल की पावर ए, और ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन है, एम की पावर बी और बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1/2 है, एंड टी जो कि टेंशन है जिसकी पावर सी है तो दैट इज द 1/2। इसको हम लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू के 1/L टी की पावर 1/2 अपॉन एम की पावर 1/2। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आएगी आपकी दैट इक्वल टू के 1/L एंड टी अपॉन एम की पावर 1/2, सो फेयर न्यू इक्वल टू के अपॉन एल अंडर रूट टी अपॉन एम। तो बच्चों ये रिलेशन है हमारा जिसको कि हमें फाइंड आउट करना था।